समीक्षा बैठक के बाद राज्य के नर्सिंग कॉलेजों का हुआ वर्चुअल शिलान्यास। 20 सूत्री कार्यक्रम के इस वर्ष की प्रथम स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई है। इस बैठक में रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण इत्यादि विभिन्न सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखकर समीक्षा की गई। बैठक में सदस्यों ने आमजन से जुड़े मुद्दे रखे, जिस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक रिपोर्ट पेश करने को निर्देशित किया। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा राज्य बजट में सभी जिलों में राज्य के नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते शहर के राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की मौजूदगी में राजकीय नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास का आयोजन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने पाली के मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय शिलान्यास समारोह में आज दोपहर में प्रदेश के विभिन्न 19 जगहों पर नए राज्य के नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया, जिससे कि जिले के विभिन्न दूरदराज इलाकों में भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें डॉक्टर्स की भी भूमिका है, इसमें नर्सिंग स्टाफ की भी भूमिका है, इसमें जनता का भी धैर्य है और जनता का सहयोग भी। मुख्यमंत्री जी कोई कॉल देते हैं और आज स्थिति ये हो गई है कि मुख्यमंत्री जी कोई कॉल देते हैं, जनता से आह्वान करते हैं किसी चीज का, जनता उसकी उम्मीद से ज्यादा सही तरीके से पालना करती है। जैसे बीट के एग्जाम के वक्त मुख्यमंत्री जी ने कॉल दिया, भाई बच्चे अपने हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, हम रह रहे हैं, हमारे आवास में पड़ोस में कहीं कोई बच्चा बीट की परीक्षा देने आया, उसको अपना बच्चा समझ सरकार ने इंतजाम की और लोगों ने इतना दिल खोल के इंतजाम किया कि लोगों को लगा कि परीक्षा में नहीं आए, वो कि सुविधा पाने के लिए आए। इतना अच्छा लोगों ने रेस्पॉन्स दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी को भूखा नहीं सोचा था कोरोना, लोगों ने दिल खोल दिया, खाने का इंतजाम, सूखे राशन की बात करें, दूसरी सुविधाओं की बात करें, हर आदमी ने ध्यान रखा कि मेरे पड़ोस में कोई कमी नहीं रहे। तो मुख्यमंत्री जी की जो एक लोगों के मन में एक छाप है, एक साफ है, उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने लोगों की अपेक्षाओं पर अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया और लोगों के मन में इस बात का विश्वास है कि अशोक गहलोत जी अगर कोई कुछ ना करेंगे, जनहित में तो होगी होगी, उसको पूरा करने के लिए